दोस्तों, फिल्म टाइगर 3 पर फिर एक बार आया है एक नया अपडेट। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि टर्की का एक शहर है जो बनाया जाने वाला है यहीं पर, यानी मुंबई में ये पूरा का पूरा सेट जो है वो खड़ा किया जाने वाला है और ये सेट जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये बता दूँ आपको कि अभी भी शूटिंग चल रही है YRF स्टूडियोज़ में, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से प्लान्स में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है और उसी के चलते ट्रैवल गाइडलाइंस भी चेंज होते हुए नज़र आ है। और इसी के बीच फिर भी टाइगर 3 का जो जज्बा है, जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा जी ने डिसाइड किया है कि वो फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर शूट करना चाहते हैं, तो अब अगर वो वहाँ पर नहीं ले जा पा रहे हैं कास्ट एंड क्रू को, तो वहाँ के सारे जो शहर है, वहाँ के जो सेटअप्स हैं, वो यहाँ पर खड़े किए जाने वाले हैं। आप टाइगर 3 में जोया यानी कटरीना कैफ और भाईजान सलमान खान को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। भाईजान सलमान खान ने कहा है अर्शी खान से कि वो बिग बॉस सीजन 15 में आए अपने बेटे के साथ। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि शेरू यानी अर्शी खान का जो सॉफ्ट टॉय है वो बहुत ही फेवरेट है उनका और वो किसी को भी छूने नहीं देती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 की जब आफ्टर पार्टी चल रही थी, तो उस आफ्टर पार्टी में एक नन्ही सी लड़की आकर के अर्शी खान से रिक्वेस्ट करती है कि उनको शेरू चाहिए, पर अर्शी खान उनको पोलाइटली मना कर देती है। और ये बात देखकर भाईजान सलमान खान बीच में कूद पड़ते हैं और अर्शी से रिक्वेस्ट करते हैं, यार शेरू को दे दो उसको। तो अर्शी खान कहती है, नहीं, ये मेरा बेटा है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। तब भाईजान सलमान खान ने अर्शी खान से ये कहा है कि अर्शी, आपकी जो फीलिंग्स है, जो मदरली फीलिंग्स है आपकी, ये आप ऐसे ही कायम बना के रखिए और बिग बॉस सीजन 15 में आपके बेटे के साथ जरूर आइए, यानी शेरू के साथ जरूर आइए। तो दोस्तों, क्या आप भी उत्सुक है अर्शी खान और शेरू यानी माँ बेटी की इस जोड़ी को बिग बॉस सीजन 15 में देखने के लिए, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान ने किया एक किस्सा शेयर जो जुड़ा हुआ है उनके पापा सलीम खान से। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि सलमान खान जो है उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि कुछ दौर ऐसा भी था हमारी लाइफ में जहाँ पर मुझे पनिशमेंट मिली थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा तब मेरी स्कूल की जो फीस है वो नहीं भर पाए थे, इसलिए प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने मुझे फ्लैगपोल यानी ग्राउंड में जो फ्लैगपोल होता है वहां पर जाकर के खड़ा रहने के लिए कहा गया था और मेरे पापा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। हाँ दोस्तों, ये स्टोरी थोड़ी सी फिल्मी साउंड कर रही है, पर उनके पापा उसी रास्ते से गुजर रहे थे और तब उन्होंने ये देखा कि उनका बेटा फ्लैगपोल के यहाँ पे खड़ा है और उन्होंने सलमान खान को पूछा कि यार अब तुमने क्या कर दिया कि तुम पनिश हो गए हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, पर उन्होंने मुझे बोला कि मेरी फीस नहीं भरी है इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है। तो तब सलीम खान साहब ने जाकर के उनके प्रिंसिपल से ये कहा था कि उनका ड्यूटी नहीं है, यानी सलमान खान की ड्यूटी नहीं है कि वो फीस भरे, वो मेरी ड्यूटी है, तो अगर आपको पनिश करना है फी नहीं भरने के लिए तो आप मुझे पनिश कीजिए। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सलमान खान को क्लास में बैठने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तब सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ग्रेड में था। जी दोस्तों, तो 8 साल के सलमान खान ने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं। आपको ये किस्सा कितना दिल को छुआ जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। फिल्म टाइगर 3 पर आया है नया अपडेट। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइगर 3 इस फिल्म की शूटिंग जो है वो 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। टाइगर 3 में भाईजान सलमान खान तो हमें दिखने वाले हैं लीड रोल में, पर उसी के साथ साथ इमरान हाशमी जो है उनकी तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक
फोटो आई है इमरान हाशमी की, जहां पर वो ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी जिम में हैं, और दो हट्टे कट्टे फिरंगी नौजवान भी दिख रहे हैं। दोस्तों, ये तैयारी चल रही है टाइगर 3 के लिए, और टाइगर 3 में इमरान हाशमी जो है वो सलमान खान के ऑपोजिट नेगेटिव शेड में हमें दिखने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। इसी के साथ साथ ये बता दूं दोस्तों आपको कि टाइगर 3 जो पहले डिसाइड किया गया था कि रशिया में शूट होने वाली है, वो अब शूट हो रही है YRF स्टूडियोज मुंबई में ही। 8 मार्च से तो भाई शूटिंग शुरू हो गई है टाइगर 3 का। हालांकि कोई भी लुक अभी तक बाहर नहीं आया है, पर इमरान हाशमी, हमारे सलमान खान और कटरीना कैफ, इन तीनों की तिगड़ी कैसे रहेगी आप बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। अर्शी खान ने मुंबई में लिया है नया घर। नया घर लेते ही उन्होंने किया है शुक्रिया अदा भाईजान सलमान खान का। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है उनको खूब सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं, पर खास शुक्रिया अदा किया है अर्शी खान ने। उन्होंने हाल ही में हुए इंटरव्यू में ये कहा है कि भाईजान सलमान खान जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और उसी के साथ साथ बिग बॉस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे मम्मी डैडी का। और उन्होंने कहा कि कल तक मैं रेंट पर रह रही थी, पर आज मेरा खुद का जो घर मैंने लिया है, उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा घर चांद पर है। जी दोस्तों, उन्होंने उसके बाद फोटो शेयर की है सोशल मीडिया अकाउंट पर, और दिख रहा है कि मोस्टली सारे जो इंटीरियर्स है वो वाइट कलर के हैं, और अर्शी मानती है कि वाइट कलर से शांति यानी पीस घर में आता है, और इसलिए वो अपने इंटीरियर्स को वाइट रखना चाहती है। अगर आपने तस्वीरें नहीं देखी है अर्शी के घर की तो देखिए और बताइए आपको कितना खूबसूरत लगा है अर्शी का घर। और अर्शी ने किया है भाईजान को शुक्रिया अदा। भाईजान का इस पर क्या कमेंट आने वाला है, आता है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी नहीं रिलीज हो रही है 2 अप्रैल को। चलिए बताते हैं आपको कि इसके पीछे की वजह क्या है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी अब नहीं रिलीज होगी 2 अप्रैल को, क्योंकि राज्यों में, हालांकि देश में इतना बड़ा संकट चल रहा है कोरोना का, और कोरोना के चलते अब फिर एक बार थिएटर्स जो है वो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ नहीं चलने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर टिकटें नहीं बिकेंगी और फिल्म को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि मेकर्स ने अब डिसाइड किया है कि फिल्म 2 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज नहीं होने वाली है, क्योंकि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्म जो है सूर्यवंशी वो बहुत ही बड़े बजट पर बनी गई है, और अगर इसकी रिकवरी अच्छी तरीके से नहीं होगी तो फिर मेकर्स को बड़ा लॉस सहना पड़ेगा। इसी की वजह ये है कि फिल्म की जो रिलीज डेट है उसको आगे हो सकती है, और अब कब होगा रिलीज़ ये तो पता नहीं, पर जल्दी हम आपको अपडेट्स लेके आएंगे। पर उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। उसी के साथ साथ आप हमें ये बताना ना भूले कि आप कितने एक्साइटेड हैं सूर्यवंशी इस फिल्म के लिए। शाहरुख खान को बचाने पहुंचेंगे सलमान खान फिल्म पठान में। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान दोनों भी एक साथ दिखने वाले हैं फिल्म पठान में। फिल्म पठान के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, पर हाल ही में खबरें ये आ रही थी कि मुंबई में ही फिल्म शूट होने वाली है, क्योंकि पहले खबर ये थी कि फिल्म बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया शूट होने वाली थी। पर मैं आपको ये बता दूं कि अब इनसाइडर सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि फिल्म यहीं पर YRF स्टूडियोज में ही शूट होने वाली है, पर जो सीन है वो रशिया का है और पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन पर शूट होने वाला है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं दोस्तों मैं आपको कि इस शॉट में ये दिखाया जाने वाला है कि किस प्रकार से भाईजान सलमान खान का कैरेक्टर जो है टाइगर बचाने आने वाला है पठान को, यानी शाहरुख खान को। दोस्तों, आपको बता दूं इसी के साथ साथ
कि जॉन अब्राहम और भाईजान सलमान खान का भी एक तरीके से यू नो फाइटिंग सीन होने वाला है जो शूट होने वाला है बुर्ज खलीफा पर। जी दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर एंड पर यानी ऊपरी हिस्से में, और ये फर्स्ट फिल्म होने वाली है जो बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होने वाली है। आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हमारे भाईजान सलमान खान जो है वो दिखाएंगे अपना मैजिक फिल्म पठान में। आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म पठान के लिए जो आने वाली है जनवरी 2022 में, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज श्रुलका चौहान साइनिंग ऑफ।